नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। हाल के दिनों में स्कूल बस में जो है वो एक्सीडेंट की समस्या जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, जिसको नियंत्रण करने के लिए परिवहन विभाग ने स्कूल बसों को ये अनुमति दी है कि अब उनके लिए एक स्पीड लिमिट होगी, उससे ज़्यादा जो है वो स्पीड में स्कूल बस नहीं चला सकते हैं। जिस तरीके से हाल के दिनों में बिहार में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे, लगातार बच्चों को घायल होने की जो सूचना थी वो मिल रही थी, जिससे कहीं ना कहीं परिजन थे काफ़ी परेशान थे कि ऐसे जगहों पे जहाँ पे रास्ता जो है काफ़ी खाली हुआ करता था, ऐसे जगहों पे जहाँ रास्ते जो है वो काफ़ी दुर्घटना वाले रास्ते होते थे, उन रास्तों में स्कूल बस के जो ड्राइवर होते थे वो काफ़ी तेज़ गति में गाड़ी चलाते थे, और जिस वजह से स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी। लेकिन राज्य परिवहन विभाग ने ये आदेश जारी किया है कि अब स्कूल बसों के जो स्पीड है वो लिमिटेड होगी, जिससे दुर्घटना नहीं होंगी और चांसेस कम रहेंगे दुर्घटना के लिए, और उससे अधिक, उस स्पीड लिमिट से अधिक अगर गाड़ी चलाएंगे ड्राइवर तो स्कूल पे फाइन होगा, गाड़ी पे फाइन होगा, साथ ही ड्राइवर पे भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। स्कूल बस की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होगी। इससे ज़्यादा स्पीड में चलते पकड़े जाने पर चालक और मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। बस को जब्त करने के साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ट्रिप बढ़ाने के चक्कर में चालक बेलगाम स्पीड में बस चलाते हैं, जिसमें बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है। सभी कमर्शियल वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। डिवाइस नहीं लगे होने पर जुर्माना होगा, पहली बार 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक स्कूल बस 40 किलोमीटर, यात्री बस NH पर 80 किलोमीटर व शहर में 60 किलोमीटर, ट्रक NH पर भी 80 किलोमीटर, हाईवे पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं। निजी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय नहीं की गई है, इसलिए निजी वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगाना अनिवार्य है। पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट तय नहीं है। पुलिस को अपराधियों का पीछा करना पड़ता है और एम्बुलेंस के मरीजों और समय पर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। आग लगने पर दमकल और फौरन पहुंचना पड़ता है, इसलिए इन गाड़ियों की स्पीड लिमिट नहीं रखी गई है। वहीं आपको बता दें कि सभी कमर्शियल वाहन के स्पीड लिमिट डिवाइस जो है उनको लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। डिवाइस नहीं लगे होने पर जुर्माना देना होगा, पहली बार में 5,000 और दूसरी बार में 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक स्कूल बस 40 किलोमीटर, यात्री बस NH पर 80 किलोमीटर व शहर में 60 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो चला सकते हैं, वही NH पर 80 किलोमीटर ट्रक चल सकते हैं, हाईवे जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है चलाया जा सकता है। तो जाना और सुना आपने किस प्रकार से राज्य परिवहन विभाग के तरफ से ये सख्त आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है कि स्कूल बसों के जो स्पीड लिमिट है वो अब बहुत 40 किलोमीटर प्रति, मतलब 40 किलोमीटर की स्पीड से वो जो है वो चला सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर वो चलाएंगे तो उनके ऊपर में जो है वो कार्रवाई हो सकती है। हालांकि निजी वाहन के लिए जो है इस पे कोई स्पीड लिमिट नहीं रखा गया है, एम्बुलेंस के लिए अभी तक कोई स्पीड लिमिट नहीं रखा गया है, पुलिस वाहन के लिए अभी तक कोई स्पीड लिमिट नहीं रखा गया है, क्योंकि पुलिस वाहन से अपराधियों को पकड़ना होता है, जिससे वो कितने भी स्पीड में जा करके अपराधियों को पकड़ सकते हैं। वहीं निजी वाहनों पर भी जो है वो अब नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, स्पीड लिमिट नहीं रखी गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए NBC के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।